सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान टेक सीरीज में। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ IRCTC, आप अगर रेल का ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं, रिजर्वेशन जैसे बुक करना है आपको, स्लीपर का टिकट या फिर एसी का टिकट, सेकंड एसी, थर्ड एसी, कोई भी टिकट अगर बुक करना है तो आप लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर आपको एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप अपने फ़ोन में आपको करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। अब जैसे आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप रेल कनेक्ट, बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें तभी आपके समझ में आने वाला है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर IRCTC के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको उसको ओपन करके सारी के सारी टिकट बुक करके आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेल कनेक्ट का एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन आपको करना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद करना है इंस्टॉल। तो ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो रहा है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे फिर लिखा होगा यूजर नेम, नीचे लिखा होगा पासवर्ड, फिर लिखा होगा लॉगिन, फिर नीचे लिखा है रजिस्टर्ड। तो आपके पास अभी यूजर नेम पासवर्ड होगा नहीं, तो यहाँ पर पहले आपको रजिस्टर्ड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। अब जैसे आप फ्रेंड रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको यूजर नेम लिख के आ रहा है, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब आपको बताने वाला हूँ कि यूजर नेम आपको ऐसा यूजर नेम डालना है कि बहुत ही यूनिक यूजर नेम डालना है, ठीक है। यूजर नेम डालने में आप बिल्कुल भी ट्रिक अपनी अजमाना है, लेटेस्ट ट्रिक आपको डालना है और अच्छा सा ही आपको एक यूनिक नेम रखना है। यहाँ पर देखिए मैं यूनिक नेम रख रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर यूनिक नेम अभी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आपको यूनिक यूजर नेम डालना हो, ये देखिए यूजर नेम इज़ अवेलेबल, ग्रीन कलर का हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको इस तरह के यूजर नेम डालना है। अब बात करते हैं पासवर्ड की, तो पासवर्ड में आपको एक अक्षर आपको कैपिटल लेटर में रखना है करेक्टर का, और वहाँ पर आपको रखना है पासवर्ड में आपको लेटेस्ट वन स्मॉल एंड वन कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड नंबर डिजिट रखना है। तो यहाँ पर आपको मैं रखने वाला हूँ पासवर्ड में, देखिए मैं पासवर्ड में यूनिक डाल रहा हूँ, अगर ले लेगा, यहाँ पर अभी नहीं ले रहा है। तो आपको मैं बहुत ही मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप जो यूजर नेम बनाए हैं उसी को पासवर्ड बना दीजिए। ये देखिए हाँ फ्रेंड, मैंने तो अभी क्या किया है कि जिसको मैंने यूजर नेम बनाया है सेम चीज़ जो आपको वही चीज़ मैंने पासवर्ड में बना दिया है। तो यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड देखिए दोनों ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मिडिल नेम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही डाल सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद करना है कि आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पर जाके डेट ऑफ बर्थ उठा के ईयर और जो भी डेट हो आपकी वो सब डाल के यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर भी ग्रीन हो गया है। अब आपको यहाँ पर मेल फीमेल में क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर डालना है अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर हमारा फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पर देखिए वो भी ग्रीन हो गया। अब आपको यहाँ पर डालना है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी ग्रीन का सिग्नल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको ना नीचे नेक्स्ट में क्लिक। अब जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा लिख के आ रहा है नेशनैलिटी, सिक्योरिटी क्वेश्चन और नीचे भी कई सारी चीज़ें थे। आपको सबसे पहले नेशनैलिटी में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर फिर देखेंगे आपको कई सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट टाइम, व्हाट इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट टाइम टीम, सारी के सारी, या फिर आप व्हाट इज़ योर फादर मिडिल नेम, जो भी बाइक पसंद करते हैं, कार पसंद कर सकते हैं, सब यहाँ पर जो भी एक चाहें। एक क्वेश्चन फ्रेंड ये होता है, कभी आपके अगर दिक्कत होती है आपके IRCTC अकाउंट में तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालकर ही इसको कर सकते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मेरा चाइल्डहुड हीरो है अमिताभ, यहाँ पर लिख के मैंने यहाँ पर कर दिया, ग्रीन हो गया। यहाँ पर आप लिख देना जो भी आप यूज कर हैं, आप गवर्नमेंट में हैं या फिर पब्लिक हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, प्रोफेशनल है, सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर आप स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट प्रेफरेंस करता हूँ। यहाँ पर आप मैरिड के यहाँ पर करना है आपको सिंगल या मैरिड, तो मैं सिंगल में करता हूँ। फ्रेंड इस वीडियो को आप समझते जाइए तभी आपको समझ में आने वाला है। और सिंगल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको एड्रेस का पूछ रहा है, तो एड्रेस मैं आपको डाल दे रहा हूँ, जो आपका एड्रेस हो
आप एड्रेस को सही तरीके से फिल करिए, क्योंकि एड्रेस बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए। आपको कोई भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसमें आपको एड्रेस वेरीफाइड करना है और अच्छे तरीके से वेरीफाइड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे एड्रेस में आपको नीचे यहाँ पर आपको लिख देंगे, मैं आपको एड्रेस लिख देता हूँ, मुंबई स्ट्रीट भी मुंबई कर दे रहा हूँ। और इसके बाद आपको एरिया फिलेक्ट करना है, सेलेक्ट कंट्री इंडिया हो गई, पिन कोड आपको डालना है, जो भी आपका पिन कोड हो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। मेरा पिन कोड अभी ले लिया और इंडिया के बाद एरिया आपको कर देना है। और अभी देखिए पिन कोड यहाँ पर थोड़ा सा वेरीफाइड के लिए नहीं ले पा रहा है, चलिए मैं यहाँ पर दूसरा पिन कोड डाल दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने पिन कोड डाल दिया है। यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है जो भी आपका पोस्ट है, और यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर डालना है, कोई भी जो भी आप टेलीफोन नंबर यूज करते हैं तो आपको वो नंबर फिल कर देना है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, आपको फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख लिख कर रहा है यूजर आई डी एंड पासवर्ड कैन नॉट बी सेम, यूजर आई डी एंड कन्फर्म पासवर्ड कैन नॉट बी सेम। कुछ फ्रेंड यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर पासवर्ड का थोड़ा एरर आ रहा है, तो आपको बैक होकर दोबारा जाना है, यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे आप सब कुछ सही हो गया है। यहाँ पर मैं दोबारा फिल किए दे रहा हूँ सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ भी मैं कर दे रहा हूँ, आपको वही चीज़ करते चले जाना है। और यहाँ पर आपको लिख देंगे अपना एड्रेस, और यहाँ पर इंडिया डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, और इसी चीज़ तरह यहाँ पर फिल करते चले जाना है। आपको पोस्ट ऑफिस भी डाल देना है, आपको मोबाइल नंबर भी डाल देना है अगर लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है रजिस्टर प्रोग्रेस, यहाँ पर देख क्लिक किया रहा है कि आपके जो ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल वेरिफिकेशन, वहाँ पर आपका जो वन टाइम पासवर्ड जाएगा उस पासवर्ड को उठा के आपको उसको लॉगिन कर लेना है। अब बताने वाला हूँ कोई ये आपको करना क्या है। अब आपको जो यूजर नेम पासवर्ड आपका बन गया है तो वही यूजर नेम पासवर्ड आपको फिल करना है। अब मैं दिखाता हूँ फिल करने के बाद कि आपको टिकट बुक कैसे करें। तो मैं फ्रेंड यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर मैंने देखिए डाल दिया है, और इसके बाद आपको एम पिन बनाना होगा, चार अक्षर का पिन आप बना लेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर चार अक्षर का पिन बना लेंगे, तो जैसे ही आपको चार अक्षर का पिन बनाने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, लॉगिन में क्लिक करना है। आपको दोबारा मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है, आप दोबारा को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप तभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लॉगिन कर लिया आपने, अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप ट्रेन सर्च करने वाले हैं, तो मैं आपको दोबारा ही स्पीड कर दे रहा हूँ, दोबारा आपको कर देता हूँ। जैसे आप IRCTC एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर देखिए लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे फिर आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको ये देखिए ओपन हो रहा है वेरीफाइड यूजर, ये जर्नी आ गई। यहाँ से आपको कहाँ से कहाँ डालना है, बांदा फिर निजामुद्दीन, यह फिर आपको डालना है बांदा फिर निजामुद्दीन, के पास डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन आ रहा है तत्काल, नॉर्मल हो गया, या फिर आप जैसे बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नाम भी आपको डाल सकते हैं। नाम डालने के बाद ऐड में कर सकते हैं, फिर नीचे आप बुक नाउ में क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे आप बुक नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बुक टिकट का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। अब फ्रेंड बताना चाहता हूँ यहाँ पर जैसे ही आप बुक टिकट में शो होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए ऊपर देखेंगे लिखा अवेलेबल 10 सीटें हैं, तत्काल का कोटा लगा दिया मैंने। या भी ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसे नाम आ गया है, फेयर आ गया है। अब यहाँ पर कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, फिर बता दूँ ये कैप्चा आपको डालना पड़ता है, आप चाहे PC में यूज करें या फिर कहीं यूज करें, ये कैप्चा आपको डाल देना है जो भी आप यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर डालने के बाद देखेंगे आपको तत्काल की सीटें हैं, फेयर दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको कर देना है प्रोसेस टू पेमेंट। मैं बता दूं प्रोसेस टू पेमेंट करने के पहले आप अपना नेम, एज और अपना सारी की सारी चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि कंफर्म करने के बाद ही डालना है। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस टू पेमेंट में मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, ई वॉलेट आ रहा है, अगर आप ई वॉलेट यूज़ करते हैं IRCTC का, MobiQuick या ओला मनी, या फिर पेटीएम, एयरटेल मनी, जियो, या फिर आप भीम UPI यूज करते हैं भीम UPI, या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी चीज़ यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको क्लिक करना है, आपको जिसमें भी कर सकते हैं, फ़ोनपे में हो गया, रोजपे में हो गया, पेटीएम में हो गया। अगर आप फ़ोनपे में क्लिक करते हैं तो आपको फिर पे में क्लिक करना होगा, और पे में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लोडिंग प्रीज वेट कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए फ़ोनपे के थ्रू जो भी इसमें प्रोसेसिंग होगी वो आपको ओपन होगी। यहाँ पर देखिए फ़ोनपे का आपको लॉगिन आईडी मांग रहा है, या फिर आप अपना UPI यूज करते हैं, यहाँ पर UPI डाल सकते हैं, जो चीज़ डाल चाहते हैं वो चीज़ आप डाल के यहाँ पर OTP सेंड कर सकते हैं आप, और इसको आप
अपने टिकट को थ्रू आप जैसे भी करेंगे या फिर आप पेटीएम में क्लिक करेंगे, जहाँ पर आप अगले पेज जाएंगे जहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का और एटीएम का यूज होगा, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डाल के आप इसको प्रोसेस में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पर इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।